तो आज की वीडियो में रेडिएशन प्रोटेक्शन पढ़ेंगे। रेडिएशन प्रोटेक्शन एक ऐसा टॉपिक है जो कोई भी डीएनबी एग्जाम हो चाहे एमडी एग्जाम हो उसके थ्योरी पेपर में इससे ज़रूर ज़रूर एक लॉन्ग क्वेश्चन होता है। उसके अलावा जो प्रैक्टिकल्स होंगे उसमें भी बिना रेडिएशन प्रोटेक्शन से क्वेश्चन पूछे आप बच नहीं सकते, एग्जामिनर इससे क्वेश्चन ज़रूर पूछेगा। सो देर आर थ्री प्रिंसिपल्स ऑफ रेडिएशन प्रोटेक्शन गिवन बाई ICRP, दैट इज इंटरनेशनल कमीशन ऑफ रेडिएशन प्रोटेक्शन, जो कि हैं जस्टिफिकेशन, ऑप्टिमाइजेशन एंड डोज रिडक्शन। ये तीन वर्ड आप JDO से याद रख सकते हैं। JDO हर डॉक्टर ने सुना होगा, जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन। सो जस्टिफिकेशन, डोज रिडक्शन एंड ऑप्टिमाइजेशन। तो जस्टिफिकेशन, सिंपली जस्टिफिकेशन का मतलब यह है कि जो भी इन्वेस्टिगेशन आप कर रहे हैं, जो भी पेशेंट को रेडिएशन आप देने जा रहे हैं, इट शुड बी जस्टिफाइड। ऑप्टिमाइजेशन मीन्स कि ठीक है, आपको कोई इन्वेस्टिगेशन करना है तो इट शुड बी ऑप्टिमाइज अकॉर्डिंग टू द पेशेंट, और ऑप्टिमाइज भी कर लिया तो कैसे फर्दर और डोज को रिड्यूस कर सकते हैं। सो स्टार्टिंग जस्टिफिकेशन, एज आई सेड कि सिंपली वट एवर यू आर डूइंग द प्रैक्टिकल प्रैक्टिस मस्ट बी जस्टिफाइड। सिंपली ये मतलब है जस्टिफिकेशन का। फॉर एग्जाम्पल, कोई सम किड ऑफ 10 ईयर्स प्रेजेंट टू ER विद राइट इलियक फोसा पेन, तो आप क्या एडवाइस करेंगे उसको? पहले एक अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन एडवाइस करेंगे मुझे लगता है, बिकॉज दैट इज जस्टिफाइड। अगर कोई डॉक्टर डायरेक्टली CT एडवाइस कर रहा है, स्पेशली एक बच्चे में, टू रूल आउट अपेंडिसाइटिस विदाउट गोइंग फॉर अल्ट्रासाउंड, तो दैट इन्वेस्टिगेशन, दैट CT इज नॉट जस्टिफाइड, बिकॉज स्पेशली वो किड है। तो जस्टिफिकेशन सिर्फ इतना ही मतलब है कि वट एवर इन्वेस्टिगेशन यू आर डूइंग इट शुड बी जस्टिफाइड। सो द रेडिएशन शुड ओनली बी गिवन इफ वन इज एक्सपेक्टिंग अ सफिशियंट बेनिफिट टू द एक्सपोज इंडिविजुअल। अगर बेनिफिट आउटवेट्स द रिस्क, यानी बेनिफिट मीन्स एक्चुअल और द करेक्ट डायग्नोसिस, एंड द रिस्क मीन्स रेडिएशन एक्सपोजर। जब बेनिफिट ज्यादा होगा रेडिएशन एक्सपोजर से, तभी इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। दिस इज कॉल्ड जस्टिफिकेशन। नेक्स्ट इज ऑप्टिमाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल, अगेन टेकिंग द सेम एग्जाम्पल, वो किड है, उसमें हमने अल्ट्रासाउंड करा लिया और उसमें डिटेक्ट नहीं हुआ अपेंडिसाइटिस, और बट देर इज हाई क्लिनिकल सस्पिशन, तो देन यू कैन गो फॉर CT। बट अब ठीक है, द इन्वेस्टिगेशन दैट CT इज जस्टिफाइड, बट इट शुड बी ऑप्टिमाइज्ड अकॉर्डिंगली। दैट इज, बच्चा है फॉर एग्जाम्पल, उसमें करना है तो यू हैव टू रिड्यूस द KVP ऑफ द CT। वो अडल्ट वाला डोजेज आप यूज नहीं कर सकते। इसी तरह से यू कैन रिड्यूस द फेजेस। फॉर एग्जाम्पल, यू डोंट हैव टू डू टिपिकल ट्रिपल फेज इन दैट किड। आप इन NCCT और आर्टेरियल फेज और इवन डिलेट फेज अगर जरूरत नहीं है तो हटा सकते। यू कैन डायरेक्टली गिव कॉन्ट्रास्ट एंड टेक अ वीनस फेज। दैट विल बी ऑप्टिमाइजेशन। सो ऑप्टिमाइजेशन, एज टेक्स्ट को रीड करें, सो ऑप्टिमाइजेशन ऑफ द प्रोटेक्शन कैन बी अचीव बाई ऑप्टिमाइजिंग द प्रोसीजर टू एडमिनिस्टर अ डोज विच इज एज लो एज रीजनेबली अचीवेबल। जितना लो दे सकते हैं उतना दिया जाए, इसको अलारा प्रिंसिपल भी कहा जाता है। सो एज टू ड्राइव अ मैक्सिमम डायग्नोस्टिक इन्फॉर्मेशन विद मिनिमम हार्म टू द पेशेंट। सो इन शॉर्ट के इन्वेस्टिगेशन शुड बी प्रोवाइडेड विद द बेस्ट अवेलेबल प्रोटेक्शन एंड सेफ्टी मेजर्स। आपने सोच लिया इन्वेस्टिगेशन तो करनी है, CT करना ही है, लेकिन इट शुड बी प्रोवाइडेड विद द बेस्ट अवेलेबल प्रोटेक्शन एंड सेफ्टी मेजर्स। मूविंग ऑन, द थर्ड थिंग जो कि फर्दर आप कैसे डोज को लिमिट कर सकते हैं, वो है बाई मिनिमाइजिंग द टाइम, मैक्सिमाइजिंग द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सरे ट्यूब एंड यूज ऑफ शील्डिंग। अब टाइम से मतलब यहाँ पेशेंट की बात हो रही है कि पेशेंट को जो एक्सपोजर दिया जा रहा है, जैसा कि मैंने कहा, एक एग्जाम्पल दी थी कि आप रिड्यूस, यू कैन रिड्यूस द सिक्वेंसेज, आप ट्रिपल फेस की जरूरत नहीं है, तो ये एक तरह से आप टाइम रिड्यूस कर रहे हैं, एक्सपोजर रिड्यूस कर रहे हैं। सिमिलरली जो डिस्टेंस की जब बात हो रही है, तो बात पेशेंट की ना होकर उस टेक्नीशियन की, उस डॉक्टर की हो रही है जो वहां पर आसपास है किसी एक्सरे में या CT में, कि वो ही शुड बी एज डिस्टेंट फ्रॉम द पेशेंट एज मच एज पॉसिबल। बात करेंगे अभी
वो कैसे होता है। एंड द थर्ड थिंग इज शील्डिंग, यूज ऑफ शील्डिंग। अगेन ये डॉक्टर की बात हो रही है या उस पेशेंट के दूसरे पार्ट्स की बात, ऑर्गन्स की बात हो रही है जो कि आर नॉट ऑफ इंटरेस्ट इन दिस केस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल टाइम, टाइम इज सिंपली हम जानते हैं कि एक्सपोजर इज सिंपली एन फंक्शन ऑफ टाइम, दैट इज एक्सपोजर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम। सो अगर आप टाइम रिड्यूस करेंगे तो एक्सपोजर अपने आप ही रिड्यूस हो जाएगा। सेकेंड चीज जो कि आप कर सकते हैं वो है डिस्टेंस। अब यहाँ डिस्टेंस मेनली उस डॉक्टर या टेक्नीशियन की बात हो रही है। हमें पता है कि जैसे हमने बताया था एक्सपोजर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, तो आपने टाइम कम किया था तो एक्सपोजर लीनियरली उससे कम हो गया था, लेकिन यहाँ डिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल फर्स्ट ऑफ ऑल एंड दैट टू द पावर ऑफ। तो अगर आपको एक्सपोजर करना है, कम करना है, तो यू कैन रिड्यूस द डिस्टेंस। यहाँ पेशेंट की, मैं फिर से बता दूँ, यहाँ बात पेशेंट की ना होकर यहाँ बात टेक्नीशियन या डॉक्टर की हो रही है कि वो फ्लोरोस्कोपी मशीन से या एक्सरे मशीन से कितनी दूर जाएगा, उतना उसके लिए फायदा है। तो टेक्स्ट रीड कर लेते हैं। टेक्स्ट में लिखा था फर्स्ट पॉइंट, एक्सपोजर टू रेंडिविजुअल डिक्रीज इज इनवर्सली एज द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। होता ऐसे है कि अगर ये मान लें कि ये सोर्स है, सोर्स से जो रेडिएशन निकलती है वो हमेशा थ्री डायमेंशनली एक बीम निकलती है, ना कि एक लाइन। एक लाइन ना होकर एक बीम निकलती है जिसमें बहुत सारी लाइन होती है और थ्री डायमेंशनल में वो एक्सपेंड कर दी जाती है। तो जैसे जैसे वो एक्सपेंड करती जाती है वो डायल्यूट होती जाती है। तो इसलिए अगर आप यहाँ खड़े होंगे तो आपको ज्यादा एक्सपोजर होगा, वहीं इस बात यहाँ खड़े होंगे तो कम एक्सपोजर होगा, क्योंकि यहां तक आते आते रेडिएशन डायल्यूट हो चुकी होगी। सो फॉर एग्जाम्पल, सेकेंड पॉइंट, फॉर एग्जाम्पल द डिस्टेंस इज डबल्ड, द एक्सपोजर इज रिड्यूस्ड बाई ए फैक्टर ऑफ 4। सो द डिस्टेंस फ्रॉम द रेडिएशन शुड बी केप्ट एज ग्रेट एज पॉसिबल। जितना भी पेशेंट से जितना भी सोर्स से डॉक्टर या टेक्नीशियन दूर रहेगा उतना ज्यादा बेटर है। सो द थर्ड थिंग दैट कैन रिड्यूस द डोज इज शील्डिंग। बाई डेफिनेशन शील्डिंग क्या है? शील्डिंग इज इंटरपोजिंग अ मटीरियल बिटवीन द सोर्स एंड द एक्सपोज इंडिविजुअल टू रिड्यूस द एक्सपोजर। फॉर एग्जाम्पल एक सोर्स है जिससे रेडिएशन निकल रही है और एक इंडिविजुअल है जिसको रेडिएशन से बचाना है, तो आप कैसे बता सकते हैं? यू कैन पुट अ शील्डिंग इन बिटवीन द सोर्स एंड द पर्सन एक्सपोज्ड। यहाँ ध्यान रहे, यहाँ पेशेंट की बात नहीं हो रही है, उस टेक्नीशियन की बात हो रही है जिसको बचाना है। पेशेंट को तो रेडिएशन देना ही देना है, तो उस डॉक्टर या टेक्नीशियन को हम शील्डिंग से बचा सकते हैं। वो शील्डिंग किसी भी फॉर्म में हो सकती है, वो शील्डिंग एपरन की फॉर्म में हो सकती है, वो शील्डिंग वॉल की फॉर्म में हो सकती है, वो शील्डिंग कंट्रोल रूम की फॉर्म में हो सकती है। तो लार्जर द शील्डिंग थिकनेस, थिकनेस जितनी ज्यादा होगी शील्डिंग की उतना ही कम एक्सपोजर होगा, उतना ही ज्यादा प्रोटेक्शन होगा। सो जो कॉमनली मटेरियल्स यूज किए जाते हैं शील्डिंग के लिए वो क्या है कि वॉल्स में कुछ टिपिकल नंबर ऑफ बिट्स की थिकनेस रखी जाती है वॉल में, या वॉल्स में एक यानी लेड की लेयर रखी जाती है, या फिर कंक्रीट की वॉल्स बनाई जाती हैं उन एक्सरे फैसिलिटीज या सीटी फैसिलिटीज की, जो कि आजकल तो मोस्ट कॉमनली टिपिकली कंक्रीट यूज किया जाता है, लेड इज नॉट कॉमनली यूज, पहले लेड किया जाता था। सो देयर आर फ्यू एस्पेक्ट्स ऑफ शील्डिंग, जैसे एक्सरे ट्यूब की शील्डिंग, रूम की शील्डिंग, पर्सनल यानी कि डॉक्टर की शील्डिंग और पेशेंट शील्डिंग। अभी पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले फॉर एग्जाम्पल दिस इज आर एक्सरे ट्यूब और यहाँ पर रेडिएशन देनी है जहाँ पर पेशेंट को खड़ा होना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देर शुड बी शील्डिंग ऑफ द एक्सरे ट्यूब इट्सेल्फ, ताकि जहाँ पे आपको रेडिएशन देनी है रेडिएशन उसी तरफ जाए, इधर उधर स्कैटर रेडिएशन ना हो, जो जिस डायरेक्शन में आप रेडिएशन जाते हैं उसी डायरेक्शन में हो। तो दैट इज एक्सरे ट्यूब शील्डिंग। सेकेंड पॉइंट है रूम शील्डिंग। रूम शील्डिंग से मतलब जिस रूम में एक्सरे हो रहा है उस रूम्स की वॉल्स जो हैं वो कुछ टिपिकल होनी चाहिए, कुछ टिपिकल उनकी थिकनेस होनी चाहिए, वो कॉन्क्रीट की होनी चाहिए या उसमें लेड लाइनिंग होनी चाहिए या टिपिकल थिकनेस ऑफ ब्रिक्स उसमें यूज करनी चाहिए, सो दैट जो रूम के बाहर लोग हैं उनको कोई रेडिएशन एक्सपोजर ना हो। फिर कंट्रोल रूम शील्डिंग होनी चाहिए। कंट्रोल रूम फॉर एग्जाम्पल जहाँ पर टेक्नीशियन रहेगा जो एक्सरे मशीन कंट्रोल करेगा उसके रूम की शील्डिंग होनी चाहिए कुछ प्रॉपर, ये एक एस्पेक्ट है शील्डिंग का। फाइनली पर्सनल शील्डिंग और पेशेंट शील्डिंग, उसकी बात करेंगे आगे। पर्सनल से मतलब डॉक्टर की शील्डिंग के वो उसको कुछ लेड लाइन एप्रन पहनना चाहिए, और सिमिलरली पेशेंट की शील्डिंग मीन्स के जो ऑर्गन्स या जो पार्ट ऑफ द बॉडी आर नॉट इन्वॉल्व
इन द इन्वेस्टिगेशन शुड बी प्रोटेक्टेड. तो ये सारी चीज़ें इसमें हैं जो आप इसको दोबारा देख सकते हैं. एक्सरे ट्यूब शील्डिंग, रूम शील्डिंग, पर्सनल शील्डिंग एंड पेशेंट शील्डिंग, जो कि हमने बात करी, अब उनकी डिटेल में बात करेंगे. तो शील्डिंग को फर्दर एक्सप्लेन करने से पहले कुछ बेसिक्स जान लें किसी भी रेडिएशन के बारे में. फॉर एग्जाम्पल, इफ दिस इज आर एक्सरे ट्यूब जिससे कि रेडिएशन निकलेगी, तो जो एक्सरे ट्यूब के पोर्टल से जो रेडिएशन बाहर आती है वो रेडिएशन जो है उसको बोलते हैं प्राइमरी रेडिएशन और प्राइमरी बीम, जो कि यूजफुल बीम होती है, जो कि पेशेंट के डायग्नोस्टिक्स में मदद करती है. फिर सेम रेडिएशन, यही प्राइम रेडिएशन जब पेशेंट से टकराती है उसके बाद कुछ इधर उधर अपना डायरेक्शन चेंज कर लेती है, इसको बोलते हैं स्कैटर्ड रेडिएशन. ये दिस इज नॉट यूज इन डायग्नोस्टिक्स. थर्ड तरह की जो रेडिएशन है वो है, उसे बोलते हैं लीकेज रेडिएशन, जो कि होता क्या है कि दो द एक्सरे ट्यूब इज मेड लाइक दैट कि उससे पोर्टर के अलावा, उसके होल के अलावा, प्राइमरी बीम के अलावा और रेडिएशन ना निकले, लेकिन कुछ ना कुछ रेडिएशन उस एक्सरे बीम से इधर उधर लीक होती रहती है. दिस इज कॉल्ड लीकेज रेडिएशन. तो जैसा कि मैंने बताया, प्राइमरी रेडिएशन इज रेडिएशन दैट पासिस थ्रू द ट्यूब पोर्टल, जो कि ट्यूब के होल से निकलती है. दूसरी लीकेज रेडिएशन, जो कि एक्सरे ट्यूब हाउसिंग उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, वो लीकेज रेडिएशन. तीसरी टाइप ऑफ रेडिएशन इज स्कैटर्ड रेडिएशन, विच हैज अंडरगॉन अ चेंज इन डायरेक्शन ड्यूरिंग द पैसेज थ्रू द मैटर, जो कि पेशेंट से टकराने के बाद अपना डायरेक्शन चेंज कर लिया है, जिसने अपना डायरेक्शन जो कि इधर उधर स्कैटर्ड हो रही है, वो स्कैटर्ड रेडिएशन. अब एक्सरे, अब शील्डिंग ठीक से पढ़ते हैं, डिटेल में पढ़ते हैं. तो शील्डिंग में सबसे पहला एस्पेक्ट था, जैसा कि हमने पढ़ा था, एक्सरे ट्यूब शील्डिंग. तो एक्सरे ट्यूब शील्डिंग के बारे में समझने से पहले ये समझना होगा कि जो कि ये चीज़ जो आपके सामने है ये एक्सरे ट्यूब नहीं है. समटाइम्स एग्जामिनर्स इवन आस्क दिस क्वेश्चन कि ये क्या है, ये एक्सरे ट्यूब नहीं है, ये ट्यूब हाउसिंग है. एक्चुअल में एक्सरे ट्यूब इसके अंदर कहीं है जो कि आपको नजर नहीं आ रही है. ये मेटलिक थिंग, दिस मेटलिक सिलेंडर जो कि आप दिख रहे हैं इसके ऊपर, ये इज कॉल्ड हाउसिंग, ट्यूब हाउसिंग. तो काम एक्चुअली ये है कि जो नॉर्मल एक्सरे ट्यूब होती है कुछ इस तरह की, वो ग्लास की बनी होती है और उसमें से जो रेडिएशन निकलती है वो कुछ कोई यूनिडायरेक्शनल रेडिएशन नहीं होती है, वो रेडिएशन हर डायरेक्शन में निकलती है. तो ऐसा हम नहीं चाहते हैं. हम चाहते हैं रेडिएशन जो हो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो, ताकि हम पेशेंट की तरफ उसको डायरेक्ट कर सकें. तो इसलिए हाउसिंग का यूज़ किया जाता है, एक सिलेंडर, एक लैंडलाइन सिलेंडर से इसको कवर कर दिया जाता है, और सिलेंडर में एक छोटा सा होल कर देते हैं जिससे कि सारी रेडिएशन जो है इधर उधर जो रेडिएशन निकल रही है वो सिलेंडर के अंदर एब्जॉर्ब हो जाए और उस पॉइंट से सिर्फ रेडिएशन निकले, ताकि वो उसको हम पेशेंट की तरफ डायरेक्ट कर सकें. इसी को ट्यूब हाउसिंग बोलते हैं और इसी चीज़ को ट्यूब शील्डिंग बोलते हैं. सो इससे अल्टीमेट फ़ायदा ये होता है कि जो रेडिएशन है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में निकलती है, पेशेंट की तरफ निकलती है, और जो डॉक्टर पास में खड़ा है या टेक्नीशियन जो पास में है उसको डायरेक्टली रेडिएशन नहीं मिलती. अगर कुछ रेडिएशन मिलती भी है तो वो थोड़ी बहुत स्कैटर्ड रेडिएशन मिल सकती है, जो कि इतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होती. दूसरा एस्पेक्ट था रूम शील्डिंग. रूम शील्डिंग की जैसे कि पहले भी बताया कि रूम शील्डिंग उन पेशेंट्स के लिए है जो कि रूम के बाहर हैं, जो रूम के अंदर नहीं है, ताकि यहाँ पे जो रेडिएशन एक्सपोजर चल रहा है वो रेडिएशन पेशेंट तक ना पहुँच पाए. इसे रूम शील्डिंग बोलते हैं. रूम शील्डिंग करने के लिए लेड लाइन वॉल्स ऑफ द रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट आर रेफर टू एज प्रोटेक्टिव बैरियर्स. और रूम शील्डिंग के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, लेड लाइन वॉल्स यूज़ कर सकते हैं, कंक्रीट वॉल्स यूज़ कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर थिकनेस ऑफ ब्रिक वॉल यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि जो भी रेडिएशन प्रोसीजर्स चल रहे हैं रूम के अंदर वो बाहर जो इंडिविजुअल्स हैं उन तक ना पहुंच पाए. अब टाइप्स ऑफ बैरियर्स की बात कर लेते हैं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ बैरियर्स, प्राइमरी बैरियर्स, प्रोटेक्टिव बैरियर्स, सेकेंडरी प्रोटेक्टिव बैरियर्स. तो प्राइमरी प्रोटेक्टिव बैरियर्स जो हैं, दे प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट प्राइमरी रेडिएशन, जो कि एक्सरे ट्यूब के पोर्टल से निकलती है, जो पेशेंट की तरफ डायरेक्टेड होती है, उसे प्राइमरी रेडिएशन बोलते हैं.
जो बैरियर्स प्राइमरी रेडिएशन से बचाव के लिए होते हैं दे आर कॉल्ड प्राइमरी बैरियर्स, और जो बैरियर्स सेकेंडरी रेडिएशन से बचाव के लिए होते हैं, सेकेंडरी रेडिएशन मीन्स स्कैटर्ड एंड लीकेज रेडिएशन, जो बाकी जो दो टाइप्स थे रेडिएशन के वो थे स्कैटर्ड और लीकेज, जो बैरियर्स इससे बचने के लिए होते हैं दे आर कॉल्ड सेकेंडरी बैरियर्स। बहुत ऑब्वियस सी बात है कि प्राइमरी बैरियर्स को कितनी थिकनेस ज़्यादा होनी चाहिए क्योंकि प्राइमरी बीम ज़्यादा स्ट्रांग होगी बनस्पत स्कैटर्ड और लीकेज रेडिएशन के, तो इसलिए सेकेंडरी बैरियर्स जो हैं उनकी थिकनेस एज कम्पेयर टू प्राइमरी बैरियर्स कम होगी, और एक्चुअली वो ऑलमोस्ट हाफ होती है। तो नंबर में जो थिकनेस होती है वो 1/16 inch ऑफ द लेड यहाँ पे यूज़ करते हैं या उसका इक्विवेलेंट यूज़ करते हैं, जबकि सेकेंडरी बैरियर्स में उसकी भी आधी यानी 1/32 inch ऑफ द लेड बैरियर या ऑफ द उसका इक्विवेलेंट यूज़ किया जाता है। एक और इम्पॉर्टेंट बात जो बताने की है वो है हाइट ऑफ द प्राइमरी और सेकेंडरी बैरियर्स। जो प्राइमरी बैरियर होता है वो फ्लोर से 7 feet तक का होता है, जबकि उसके ऊपर से लेके जहाँ तक सीलिंग है सीलिंग तक ये जो बैरियर होता है ये सेकेंडरी बैरियर होता है। इस बात को ऐसे समझ सकते हैं कि अगर ये हमारी एक्सरे ट्यूब है यहाँ से रेडिएशन निकल रही है तो जो प्राइमरी रेडिएशन है वो उससे बचने के लिए उस वो प्राइमरी बैरियर नीचे होना चाहिए, जबकि जो स्कैटर्ड रेडिएशन है जो कि प्राइमरी से स्कैटर होकर आ रही है उससे बचने के लिए सेकेंडरी बैरियर होना चाहिए। अब शील्डिंग ऑफ कंट्रोल रूम की बात कर लेते हैं। जो कंट्रोल रूम जहाँ से टेक्नीशियन एक्सरे मशीन को कंट्रोल करता है वो कंट्रोल रूम होता है, एंड द शील्डिंग ऑफ द कंट्रोल रूम इज मेनली फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ दैट वर्कर। जो बात ध्यान रखने की है, ये जितने भी शील्डिंग हैं चाहे वो एपरन हो चाहे वो रूम शील्डिंग हो, ये सब प्राइमरी रेडिएशन से बचने के लिए नहीं है, ये सब सेकेंडरी प्रोटेक्टिव बैरियर्स हैं, यानी कि दीज ऑल आर मेंट टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द लीकेज एंड द स्कैटर्ड रेडिएशन, नॉट द प्राइमरी रेडिएशन। उसके लिए ये है कि डायरेक्शन ऑफ द बीम जो है वो कुछ इस तरह का होना चाहिए कि वो डायरेक्टली उस टेक्नीशियन की तरफ ना आए, इसीलिए इसमें करना ये होता है कंट्रोल रूम की जो वॉल होती है उसकी जो ग्लास विंडो होती है उसको उसके अंदर लेड इक्विवेलेंट होना चाहिए एटलीस्ट 1.5 mm का। और दूसरी बात ये कि जो कंट्रोल रूम हो आप एक्सरे मशीन लगी है यहाँ पेशेंट को लिटाना है एंड दिस इज़ आर कंट्रोल रूम, तो इसमें पहली बात तो एक ग्लास होता है जिससे वर्कर देख सके पेशेंट को, और इस ग्लास में जो ब्लड इक्विवेलेंट वह कम से कम 1.5 mm का होना चाहिए। दूसरी बात इम्पोर्टेंट यह है कि दिस कंट्रोल रूम शुड नेवर बी इन द लाइन ऑफ प्राइमरी रेडिएशन। अगर यहाँ से प्राइमरी रेडिएशन ऐसे निकल रही है तो वो टकरा के सिर्फ स्कैटर्ड रेडिएशन उस तक पहुँचेगी, कभी भी ऐसे नहीं बनाना चाहिए कि उसमें डायरेक्ट प्राइमरी रेडिएशन आए, कभी भी ऐसा कंट्रोल रूम का प्लेस नहीं होना चाहिए। लास्ट आस्पेक्ट जो था शील्डिंग का वो था पेशेंट वेटिंग रूम एरिया। पेशेंट वेटिंग रूम एरिया में बस इतना ख्याल रखना है, वो तो हम बता ही चुके हैं कि जो रूम हो जो उसकी वॉल्स कुछ पर्टिकुलर मटेरियल की या कंक्रीट की होनी चाहिए जिससे कि जो बाहर बैठा पेशेंट है उसको रेडिएशन एक्सपोजर ना हो, लेकिन जो रेडिएशन पेशेंट वेटिंग एरिया है उस एरिया में क्या ख्याल रखना है, उसमें ये 2-3 ख्याल रखने हैं कि वहाँ पर फॉर एग्जाम्पल एक लाइट बल्ब लगा हो रेड कलर का, जब भी वहाँ रेडिएशन का यूज़ हो रहा है तो वो बल्ब ऑटोमेटिकली ग्लो करे ताकि पेशेंट को पता चल जाए कि अंदर रेडिएशन एक्सपोजर है, अंदर नहीं जाना है। सिमिलरली वहाँ पर बड़ा बड़ा क्लियरली लिखा हो कि यहाँ पर ये रेडिएशन एरिया है, यहाँ पर आपको आने से खतरा हो सकता है, इस तरह के साइन बोर्ड्स वहाँ होना बहुत ज़रूरी है। पर्सनल शील्डिंग की बात करते हैं। पर्सनल शील्डिंग से मतलब शील्डिंग ऑफ द डॉक्टर और द टेक्नीशियन है। तो शील्डिंग के लिए पर्सनल या डॉक्टर शील्डिंग के लिए कुछ खास पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट तो ये है कि उस रेडिएशन जोन में वो डॉक्टर या टेक्नीशियन तभी रहे जब उसकी वहाँ ज़रूरत हो, अगर उसकी ज़रूरत नहीं है वो वहाँ से रूम से चला जाए या कम से कम कंट्रोल रूम में चला जाए प्रोटेक्शन के लिए। दूसरी बात कि जो डॉक्टर है और जो फॉर एग्जांपल इफ द डॉक्टर इज़ यूजिंग द फ्लोरोस्कोपी मशीन ही शुड मेंटेन हिज डिस्टेंस फ्रॉम द मशीन एज मच एज पॉसिबल, क्योंकि हमें पता है द रेडिएशन फॉलोज द इनवर्स स्क्वायर लॉ, इसलिए जितना दूर डॉक्टर रहेगा उस फ्लोरोस्कोपी मशीन से उतना बेटर है। एंड द लास्ट पॉइंट इज क्योंकि डॉक्टर को उतना करीब रहना है प्राइमरी रेडिएशन के उस फ्लोरोस्कोपी मशीन के लिए ही शुड यूज प्रोटेक्टिव एपरल्स।
अपैरल्स क्या होते हैं, वो अपैरल्स रेड लेड अपैरल्स हैं लाइक दीज। सबसे इम्पोर्टेंट बात याद रखने की ये है कि दीज अपैरल्स आर टू प्रोटेक्ट द डॉक्टर और द टेक्नीशियन फ्रॉम द सेकेंडरी रेडिएशन, नॉट द प्राइमरी रेडिएशन। इस बात से मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल इफ दिस इज आर फ्लोरोस्कोपी मशीन एंड दिस इज द पेशेंट टेबल एंड पेशेंट इज लाइंग हेयर, देन डॉक्टर इफ द डॉक्टर हैज टू स्टैंड हेयर देन इट शुड बी लाइक दैट कि प्राइमरी रेडिएशन सीधी जाए और पेशेंट तक पहुंचे और ओनली स्कैटर्ड रेडिएशन जो हो वही पेशेंट तक पहुंचे। इट्स नॉट लाइक कि डॉक्टर इतना क्लोज आ जाए फ्लोरोस्कोपी मशीन के कि उसको प्राइमरी रेडिएशन से एक्सपोजर होने लगे, क्योंकि दीज लेड अपैरेंस आर नॉट मेंट टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द प्राइमरी रेडिएशन, दे आर मेनली हेयर टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द सेकेंडरी रेडिएशन। ये क्वेश्चन भी यूजली बहुत कॉमनली एग्जामिनर्स पूछते हैं कि लेड अपैरेंस किससे बचाता है, प्राइमरी रेडिएशन से या सेकेंडरी रेडिएशन से। सो द आंसर इज सेकेंडरी रेडिएशन। सो अपैरेंस के अलावा और भी कुछ प्रोटेक्टिव अपैरल्स होते हैं जैसे कि लेड लाइन गॉगल्स, लेड लाइन ग्लव्स एंड थायराइड शील्ड। थायराइड शील्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज थायराइड बींग वन ऑफ द मोस्ट सेंसिटिव ऑर्गन्स, इसलिए थायराइड शील्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कि बात याद रखनी है, जो कि पूछा भी जाता है वाइवा में, वो ये कि चाहे लेड अपैरल हो, चाहे ग्लव्स हो, चाहे ग्लासेस हो, चाहे दिस थायराइड शील्ड हो, सब में लेड लाइनिंग की थिकनेस शुड बी 0.5 mm और इट्स इक्विवेलेंट होनी चाहिए। लास्ट थिंग इज पेशेंट शील्डिंग। यहाँ पेशेंट शील्डिंग से मतलब इतना है कि फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर डूइंग एक्सरे फॉर द एब्डोमेन देन ओनली दिस मच पार्ट ऑफ द पेशेंट इज इन आवर फील्ड ऑफ इंटरेस्ट। जो बाकी ऑर्गन्स हैं पेशेंट के स्पेशली द गोनाड्स, दे कैन बी प्रोटेक्टेड बाई यूजिंग अ शील्ड। दैट्स ऑल, थैंक यू।